गाइस 2 HP का मोटर है जो कि नंबर प्लेट में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, वो बाद में भी आपको बताएंगे कैसे नंबर प्लेट को पढ़ा जाता है, क्या सब सामान इसमें लिखा रहता है, 2 HP और RPM, फेज, कैपेसिटर, ये सब क्या होता है ये भी बताएंगे लास्ट एंड तक वीडियो में। उससे पहले गाइस यह बताएंगे, यहाँ तो मोटर कम्प्लीट भरा गया है लेकिन बहुत मेरे भाई क्या करते हैं, मोटर तो भर लेते हैं किसी न किसी तरह, लेकिन गाइस कनेक्शन नहीं कर पाता है, जो कि उतना हार्ड होता नहीं है लेकिन देखने में लगता है हार्ड। जब तक आप नहीं जानते हो इसके बारे में क्या इसका सिस्टम है कनेक्शन करने का, तो बहुत हार्ड लगता है लेकिन वैसा हार्ड होता नहीं है एक्चुअल में। तो गाइस वही आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइस इसमें 2 वाइंडिंग होता है, एक रनिंग वाइंडिंग होता है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, जो कि आपको इस तरह से दिखाने का कोशिश करते हैं। ये देख सकते हो टोटल 4 वायर ऊपर में है अभी और 4 वायर नीचे कर दिए, देख सकते हो 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 वायर जो नीचे किया हुआ है वो रनिंग का वायर है। और गाइस ये देख सकते हो 1 वायर में फिर 2 वायर है, जैसा कि हम देख पा रहे होंगे 2 वायर है। इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताएंगे एंड डाटा भी इसका बताएंगे, क्या परफेक्ट डाटा 2 HP मोटर का होता है, या तो अगर ये सिंगल फेज है तो डबल फेज कैसे कर सकते हैं ये भी बताएंगे। तो पहले गाइस इसका कनेक्शन जानते हैं, बहुत सिंपल इसका कनेक्शन होता है। गाइस कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो हम शुरू किए थे रनिंग वाइंडिंग करने के लिए, फर्स्ट नंबर जो लूप मेरा निकला था ये निकला हुआ था, जो कि यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो होता है ये है मेरा फर्स्ट लूप। तो गाइस क्या करते हैं, 1 को 3 से कनेक्शन करते हैं, इसमें जितना भी होता है इलेक्ट्रिकल लाइन में वाइंडिंग वगैरह कुछ भी करते हैं तो वह 1-3 पे कनेक्शन होता है। तो गाइस 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये होता है, फिर 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, 1-3 का अगर कनेक्शन करते हैं तो इन दोनों को मिलाना होता है, इन दोनों को मिलाकर इस तरह से शॉर्ट कर देंगे। आप चाहो तो कोनों कोने इसको शॉर्ट में समझ सकते हो, कोनों कोने ज्वाइंट हो गया और ये दोनों अब लूप हो गया, इसको ज्वाइंट कर देंगे फाइनली, यहाँ कुछ नहीं करना है, ज्वाइंट कर देंगे, मतलब ये लूप नहीं रहा, लूप ये दोनों ही रहा रनिंग का लूप। उसी तरह से स्टार्टिंग में भी हम करते हैं, पहले 1 नंबर का, जैसा कि ये देख सकते हो ये 1 नंबर का लूप है, पता कैसे करेंगे 1 नंबर का है या नहीं है, ये देख सकते हो ये जो यहाँ लास्ट से निकलता है ये 1 नंबर होता है, और ये देख सकते हो ये अंदर से थोड़ा निकला हुआ रहता है ये 2 नंबर हो जाता है। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4, तो 1-3 का हमें कनेक्शन करना है, तो 1-3 इन दोनों को कोनों को नहीं, देख सकते हो कोनों को नहीं होता है, हालांकि इन दोनों को भी हम कर सकते हैं लेकिन अगर इन दोनों को करते हैं तो रनिंग में भी उल्टा करना होता है, लेकिन 1-3 पर करेंगे तो इस दोनों को फिर शॉर्ट करेंगे इस तरह से। फाइनली ये भी अब ज्वाइंट हो गया, ये लूप नहीं हुआ, लूप ये दोनों केवल रह गया है स्टार्टिंग का, जो कि अंदर का क्वाइल है उसे स्टार्टिंग क्वाइल कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग हो गया और रनिंग, टोटल 2, 2, 4 यहाँ पर लूप बाहर निकालेंगे, या तो आप ऑटो कट अगर आप यहाँ लगाना चाहते हो, जो कि ऑटो कट या चिप्स उसको बोलते हैं, लाइन ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण मोटर गर्म होने के कारण रुक जाता है, ऑटो कट का यही कम होता है, उस केस में हम क्या करते हैं एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर इस तरह से ले लेते हैं, इसको फिर शॉर्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ऑटो कट डालते हैं, वो भी दिखाते हैं कैसा होता है। फाइनली गाइस ये ऑटो कट देख सकते हो, हर एक ऑटो कट अलग अलग का आता है, ये 7 एम्पियर का ऑटो कट है, हालांकि इसमें कम चल जाएगा, अगर 3 HP रहता है तो इससे ज़्यादा एम्पियर का लेना होता है, 0.5 HP, 1 HP, हर मोटर का अलग अलग एम्पियर के हिसाब से ये ऑटो कट मिलता है। तो गाइस इसी को क्या करते हैं, इसमें 2 वायर है, 1 वायर में इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन इसका कर लेंगे, टोटल अब यहाँ से जो निकलेगा 1 वायर ही निकलेगा, 1 ये हो गया अब कॉमन वायर, मतलब हर हाल में इस पर लाइन देना ही देना है। अब 1 यहाँ स्टार्टिंग और 1 रनिंग जो बच गया है, इन दोनों में कैपेसिटर आ जाता है, फिर दोनों में जैसे कैपेसिटर आ जाता है, 1 लाइन तो हर हाल में यहाँ पर पड़ेगा ही, 1 लाइन कैपेसिटर यहाँ रनिंग वाले पर, 1 लाइन को इन करना होता है। तो गाइस कुछ इस तरह से कनेक्शन होता है, काफ़ी सिंपल कनेक्शन होता है, और भी गाइस अगर डिटेल्स में देखना चाहते हो तो वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी मेरा चैनल पर जाकर, वहाँ से वीडियो आप देखकर डिटेल्स में भी सीख सकते हो। हालांकि गाइस इसका अब हम थोड़ा सा डाटा बता देते हैं, क्या डाटा रहने वाला होता है, जो परफेक्ट डाटा होता है। सो गाइस नंबर प्लेट की अगर बात करें तो ये देख सकते हो सारा चीज में लिखा हुआ रहता है, जैसे ये लुबी का है तो यहाँ लुबी लिखा हुआ है, और मॉडल, ये मॉडल नंबर से पता करता है कंपनी, मतलब कितना नंबर का ये मोटर है, अगर मोटर का कॉइल वगैरह ख़राब हो जाता है जैसे फिर रिप्लेस में आता है या गारंटी में आता है, तो यही मॉडल नंबर से वो पता करता है। उसके बाद ये साइज हो गया, जैसे 75x75 mm है, इसका कोर का साइज वगैरह लिखा हुआ है, ये HEAD हेड 9M लिखा हुआ है, ये भी मोटर का ही है। उसके बाद यहाँ DISCHD 12.0 LPS लिखा हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और गाइस इसमें जैसा देख सकते हो मैंने बोला था सिंगल फेज, यहाँ पर देख सकते हो 1 PH लिखा है, मतलब 1 फेज हो गया, अगर ये H इधर रहता P इधर रहता तो 1 HP हो जाता, यहाँ 1 फेज है, PH से फेज यहाँ पर उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, बहुत मेरे भाई को पता नहीं चलता। और ये यहाँ पर 50 HZ लिखा है, मतलब 50 HZ पर ये मोटर चलेगा,
जो कि इंडिया का फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज है 240 वोल्ट पर ये चलने वाला मोटर है। अब यहाँ देख सकते हो गाइस KW है मतलब किलो वाट, उसके बाद यह लिख कर यहाँ पर HP लिखा हुआ है मतलब KV जो लिखा हुआ है यहाँ 1.5 KV हुआ और HP यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 2 HP हो गया। उसके बाद यहाँ पर करेंट है जो कि 11.5 एम्पियर है AMPS मतलब इतना फुल लोड पर जब चलता है मोटर तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लेता है। उसके बाद यहाँ स्पीड हुआ जिसे RPM में जानते हैं जैसे 2850 RPM है और ये कैपेसिटर है जो CFP 45 MFD का है, MFD में जानते हैं जो कि ये 440 वोल्ट का होता है। और गाइस यही सब सारा चीज़ ज़्यादा तो फेज और ये HP यही चीज़ देखकर पता कर लेते हैं कैसा मोटर है और RPM देखकर पता चल जाता है। तो गाइस इसका आप डाटा थोड़ा सा जान लेते हैं। सो गाइस जैसा कि देख सकते होंगे यहाँ पर लुबी मोटर 2 HP RPM 2850 का है, कैपेसिटर 50 MFD और फेज सिंगल है एंड इसको डबल पर भी चला सकते हैं तो इस तरह से इसका सिंबल किया जाता है। तो गाइस इसमें जो वाइंडिंग होता है एक रनिंग का होता है और एक स्टार्टिंग का, एक R से रनिंग और S से स्टार्टिंग यहाँ पर शो किए हैं। तो गाइस रनिंग में जो होता है टोटल 4 वाइंडिंग इस तरह से करते हैं जैसे 1 6 पर और 1 8 पर, 1 10 पर, 1 12 पर वाइंडिंग किया जाता है। और स्टार्टिंग जो है 2 वायर ही होता है, 1 10 पर करते हैं एंड 1 12 पर करते हैं। अब इसमें टर्न कितना कितना देते हैं वो भी जानते हैं। तो गाइस टर्न जो देंगे 2 तार से बनेगा तो 40+40 देंगे 1 6 पर, इसमें 41+41 मतलब एक टर्न हमेशा बढ़ते रहेगा। इस तरह से बनाने से इसका डाटा बिल्कुल परफेक्ट होता है, मोटर जलने का नहीं के बराबर चांस रहेगा। और स्टार्टिंग में भी सेम टर्न रहेगा इसी तरह से 40+40 रहेगा और 41+41 रहेगा। अब इसका ये तो टर्न हो गया, इसका गेज कितना होगा, वायर का मोटाई या पतला जो होगा कितना होगा, तो उसको SW से जानते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, वो जो रहने वाला है 21 और 22 नंबर से यहाँ पर इसका डाटा रहने वाला है। ये स्टार्टिंग का भी जो वायर गेज रहने वाला है ये भी 21+22 रहने वाला है। तो गाइस इसका कोर जो है, कोर की लंबाई जो है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हर एक मॉडल में कोर की लंबाई घट बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से डाटा भी अलग हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो कोर का लंबाई है 6 इंच है। और गाइस इसमें वायर कितना लग जाता है वो भी लिख लेते हैं, वायर वेट कितना हो जाता है रनिंग का एंड स्टार्टिंग का। सो गाइस यहाँ रनिंग में जो वायर लगता है यहाँ पर 1.2 KG मतलब 1 KG 200 ग्राम लग जाता है और स्टार्टिंग में जो लगता है वो 800 ग्राम में हो जाता है। यहाँ पर गाइस कोर जो 6 इंची लिखे थे ये गलत हो गया था, यहाँ पर 4 इंची का ही कोर इसमें रहने वाला है। ये डाटा जो है बिल्कुल परफेक्ट है डाटा, यहाँ पर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। आई होप कि गाइस आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।